पीएम मोदी को भाई मानने वाली मुस्लिम बहनों ने पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर गिफ्ट के बदले में 2024 लोकसभा चुनाव में वोट करने का उपहार मांगते हुए दोबारा से मोदी को पीएम बनाने का संकल्प लेते हुए रक्षाबंधन पर्व मनाया। आज इस त्योहार पे रक्षाबंधन के अवसर पर मैं यही कहूँगी कि कोई भी बहन अपने भाई को रक्षा राखी बांधती है रक्षा करने के लिए, और इसलिए कि वो कुछ ना कुछ तोहफा मांगती है कि भाई मेरा कुछ ना कुछ तोहफा उसको चाहिए, लेकिन मैं मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए। बस मेरी यही दिली यही ख्वाहिश है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं 2024 में लोक सेवा में उनको वोट देकर फिर 2024 में उनको प्रधानमंत्री जी बनाया जाए। पीएम मोदी को अपना भाई मानने वाली प्रयागराज की इन हिंदू मुस्लिम बहनों ने पुलिस कर्मियों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार आपसी भाईचारे को बढ़ावा देते हुए मनाया। राखी बांधने वाली इन बहनों ने राखी बांधने पर भाइयों की तरफ से उपहार दिए जाने की पुरानी परंपरा का पालन करते हुए बहनों ने गिफ्ट के तौर पर लोगों से 2024 लोकसभा चुनाव में वोटिंग के जरिए पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने की अपील करते हुए अपना उपहार मांगा है और पीएम मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाने का काम किया। राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव, इसके लिए हम लोग सब लोग बहुत ही उत्साहित हैं। और देखिए हमारा शहर कितना सुंदर सजा है, केवल शहर ही नहीं पूरा हमारा देश ऐसे ही सजा हुआ है, और सब लोग आप लोग इसमें अपनी सहभागिता बनाएं और साथ में अपना त्यौहार जो है रक्षाबंधन का उसको भी हंसी खुशी त्यौहार मनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम लोग ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों ने मिलकर आपस में रक्षाबंधन का पर्व किया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया, और हम सब एक हैं, हम लोग की एकता में शक्ति है और सब धर्म एक हैं, सब लोग मिलजुल के रहें और हमारे चाहे मुस्लिम भाई हों, सिख भाई हों, ईसाई भाई हों, सब प्यार से रहें, मिलजुल के रहें। सबको हमने शुभकामनाएं दी, सबका उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। और इस समय सोने में सुहागा है कि हम लोग 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इसमें हम लोग और भी वातावरण बहुत उल्लासपूर्ण है। और देखिए सब तरफ पूरे भारत में तिरंगा लहरा रहा है, हम तो कहते हैं पूरे विश्व में तिरंगा लहरा रहा है, तो हमारे तिरंगा जो लहरा रहा है उसको हम लोग सब लोग नतमस्तक है। खूब भारतवर्ष हमारा उन्नति करे, विकास करे, हम सब बहनें यही सब शुभकामनाएं देते हैं। मैं रक्षाबंधन हम लोग सुबह चौराहे पे मनाएं, और जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है बहुत दुल्हन का जैसा सजा हुआ है, आज पूरा इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है, कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतना खुशी हम लोग को मना रहे हैं। सभी बहनें, सभी भाइयों, सभी को देश की अमृत महोत्सव में सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और खूब खुशी से मनाएं। और राखी आपने बांधी है? राखी बांधे पुलिस, हाँ पुलिस वाली को राखी बांधे हैं, और भी भाई लोग आ गए थे, सबको राखी बांध करके हम लोग अपना बहन का प्यार और भाई का आशीर्वाद लिए हैं।